हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। अब तक हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब भी किया है। आज बायोलॉजी में हम एक और टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं। टॉपिक है जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली इज सब्जेक्ट। ओके, ये बहुत वास्ट एरिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में, ओके, नीट में, नेट में, सेट में, गेट में, पेट, ये सारे एग्जाम में इसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटी और नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होती है, लेकिन नेट सेट गेट में जो गेट पेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है। लेकिन जनरली जेनेटिक्स में जो कुछ रेशियो है, ओके, वो रेशियो के बारे में नेट सेट गेट में भी पूछा जाता है। इजिली आपको कई बार ऐसा देखा गया आपको ये जो क्वेश्चन है ये इजिली सॉल्व होते हैं नेट सेट गेट पेट में भी, जो खाली रेशियो के ऊपर होते हैं। अभी आज हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करने लगे, ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के एक ब्रांच है जिसमें स्टडी कौन सी चीजों का किया जाता है, हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी किया जाता है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अभी सबसे पहले हमें एक बात जाननी जरूरी है, रिप्रोडक्शन। ओके, अगर हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी, ओके, आप देख रहे हो हर एक ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये आपको अगर दिखाई दे रहा है हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक अदर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ओके, ये कैसे होता है, कंटिन्यूटी, लाइफ कंटिन्यू हो रही है, कैसे, क्यों, किस वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। ओके, री ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी। रिप्रोडक्शन क्या है, री अगेन प्रोडक्शन। ओके, पेरेंट्स से, पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो सन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, प्रजनी जो प्रोड्यूस की जाती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो लाइफ कंटिन्यू होती है वो रिप्रोडक्शन से ही कंटिन्यू होती है। रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन इज रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। अभी बायोलॉजी, हमने जेनेटिक्स के बारे में देखा, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। अगर आप देख रहे हो हेरिडिटी की डेफिनेशन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर भी बोलते हैं। कैरेक्टर क्या है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, और क्या, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी क्या है हेरिडिटी, ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसमिशन इट मींस ट्रांसफर किया जाता है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ये क्या है, इसको मल्टी में हम अनुवंशिकता बोलते हैं। ओके, अनुवंशिकता जो पिता से सन के पास आता है, फादर से सन के पास आता है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर किए जाते हैं होते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, उसको मराठी में आनुवंशिकता बोलते हैं। ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है, एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ओके, और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी ये क्या है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या है, समझो आपके पेरेंट है, पेरेंट में कौन आता है, मदर, ओके, मदर, और दूसरा पेरेंट्स में आते हैं मदर और फादर। ओके, मदर हो गई फीमेल, ओके, फादर हो गए मेल, ओके,
ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जो न्यू प्रजनी प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं प्रजनी, ओके, उसको हम बोलते हैं सन, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ओके, इनका कॉम्बिनेशन, ओके, मेल एंड व्हेन मेल एंड फीमेल कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स ए प्रजनी और सन्स और ऑफस्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं, ये क्या होगा, जनरेशन। अभी यहाँ पे जनरेशन कैसे होगा, मदर और फादर पेरेंट्स का एक जनरेशन होगा, उनका सन आ गया उसका दूसरा जनरेशन होगा, सन से तीसरा एक जनरेशन, सन का सन आ गया, ये हो गए तीन जनरेशन, ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ओके, ये इसका मीनिंग होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये पेरेंट्स हो गए और ऑफस्प्रिंग में, ओके, जो कैरेक्टर ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ओके। अभी यहाँ पे हमने लिखा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी रेज किए जाते हैं, ऐसे भी रेज होते हैं, पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर ट्रांसमिट किए गए, ट्रांसफर किए हुए हैं, वो किसमें आ गए, ऑफस्प्रिंग। तो ये ऑफस्प्रिंग ये पेरेंट जैसे दिखते हैं, ओके, रिजेम्बल्स विद पेरेंट, बराबर, रिजेम्बल्स विद पेरेंट, उसको हम आइडेंटिकल भी बोलेंगे, आइडेंटिकल भी बोल सकते या सिमिलर भी बोल सकते। जो ऑफस्प्रिंग आते वो पेरेंट के जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, ओके, ये डिफरेंट दिखते हैं। तो आपने ये दोनों चीजें देखी होगी, ओके, पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं तो हम उनको बोलते हैं रिजेम्बल्स विद पेरेंट्स, ओके, सिमिलर विद पेरेंट्स और आइडेंटिकल विद पेरेंट्स, और डिफरेंट भी दिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस अलग दिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट विद पेरेंट्स, ओके। अभी ये पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं या डिफरेंट दिखते हैं, ये हम देखने वाले, ये कैसे होता है, ये होता है जनरली वेरिएशन की वजह से, ओके, वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन की डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ओके, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। अभी ये डिफरेंस कौन सा होगा, दिखने में जो डिफरेंस है, ओके, कैरेक्टर टू ट्रांसमिट हो गए, लेकिन डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएशन, ऐसा बोलते हैं। अभी आप ये भी चीज देखोगे, कैट्स है, जनरली कैट्स जो है वो किटन्स प्रोड्यूस करती है, बराबर, दूसरा है कैट्स, डॉग्स है वो पप्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी देखो, समझो, एक दो तीन चार, ओके, फोर कैट्स हो गई प्रोडक्शन, ओके, रिप्रोड्यूस, फोर कैट्स हो गए, ये अब सिमिलर, मे बी सिमिलर विथ पेरेंट्स और मे बी डिफरेंट विथ पेरेंट्स, लेकिन ये चारों में हमें डिफरेंस दिखाई देता है, मॉर्फोलॉजी के वो डिफरेंट दिखते हैं, आपने देखा होगा, अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको डिफरेंट दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं जनरली वेरिएशन। लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, कैट्स किटन सी प्रोड्यूस करेंगे, डॉग्स पप सी प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करेगा, ओके, ह्यूमन ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करेगा, करेगा कैट किटन्स को और डॉग्स पप को, आपने कभी नहीं देखा होगा कैट्स डॉग्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, ये जो चीजें हैं इनको एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, एक जैसे ही तैयार करना, प्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। ये हो गया आपका सीईटी का क्वेश्चन, ये हो गया आपका नीट का क्वेश्चन, ये हो गया पूरा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। अभी ये जेनेटिक्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया है, जेनेटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है, जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस किया है विलियम बटेसन नाम के साइंटिस्ट ने, बटेसन नाम के साइंटिस्ट ने, ओके। अभी जेनेटिक्स हम जब भी बोलते हैं तो जेनेटिक्स में आता है जीन्स, ओके, अभी जीन्स हम क्या बोलेंगे, जीन्स क्या है, कैसे, यह हम देखने वाले हमारे अगले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे जीन्स क्या है यह भी हम देखने वाले अपने अगले लेक्चर में, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं विलियम बटेसन ने, ओके, विलियम बटेसन ने जीन्स का एक इंट्रोडक्शन किया है। जीन्स क्या है, इट इज नथिंग बट द, विलियम बटेसन ने जेनेटिक्स के बारे में बोला है, इन्होंने बोला है इट इज नथिंग बट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज नथिंग बट जेनेसिस, ओके, जेनेसिस इट मीन्स टू ग्रो इन टू, ओके, ग्रो होना, ओके, बढ़ना,
तो जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन आ गई, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, नॉट ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अभी सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में किसने बोला है, हेरिडिटी, हेरिडिटी इट मींस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बोला है मेंडेल जी ने, ग्रेगोर जॉन मेंडेल, ओके, इनका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडेल, इन 1866 इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बोला है। इनको क्या बोला जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडेल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका एक एक्सपेरिमेंट फेमस है, वो भी आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनका एक एक्सपेरिमेंट फेमस है, उसको बोलते हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करके ही इन्होंने, मेंडेल जी ने कुछ जेनेटिक्स में लॉज प्रपोज की है, जिसको मेंडेल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा बोला जाता है। अभी ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट के ऊपर किया, गार्डन पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। यहाँ पे आपके सेट के 3-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी या नीट में, यहाँ पे हमने आपके सीटी या नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला, इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया है, मेंडेल ने, मेंडेल जी को, ग्रेगोर जॉन मेंडेल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर ही इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बोला है, वो एक्सपेरिमेंट फेमस है, वो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये कौन से प्लांट के ऊपर किया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, गार्डन पी के ऊपर किया है, जिसका बॉटनिकल नाम है पाइसम सटाइवम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है या आ सकता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, ओके, ये जेनेटिक्स का प्राइमरी लेक्चर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देखने वाले, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स में रेशियो को कैसे ध्यान में रखना है, ये बहुत इजी है, मोनो हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो इजीली ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको एक रेशियो पता है तो दूसरा रेशियो इजीली निकलता है, ये भी हम देखने वाले हैं। ये प्राइमरी लेक्चर हो गया जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन ये प्राइमरी लेक्चर के ऊपर भी सीईटी या नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने आपको यहाँ पे बोले हैं, आपको खाली ये ध्यान में रखना है। पहली चीज इनहेरिटेंस, मेंडेल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और गार्डन पी। और एक फाइनल चीज आपको बता देते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने काम किया है, 7 पेयर्स, ओके, 7 पेयर्स थे गार्डन पी के, उनके ऊपर 7 कैरेक्टर्स थे, उनके ऊपर इन्होंने काम किया है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।